सकता है ऐसा हो। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर। कल हमने कहाँ तक लिखवा दिया था आप लोगों को? से करंट तत्पुरुष तक हमने कर दिया था ना, से और द्वारा पर यस सर्ग का मैम। लोप हो जाता है ना। अब इसके हाँ आगे चलेंगे। आज आप सभी लोग पेन और एक कॉपी लेकर बैठे, ये आपके नोट्स भी तैयार हो रहे हैं। ऐसे ही एज इट इज आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना, जो फेयर कर रहे हैं वेल एंड गुड, जो रफ में कर रहे हैं एज इट इज आप लोग अपनी कॉपी में उतार लेंगे तो आपके एक चैप्टर अभी तैयार हो जाएगा। ये तो कम से कम 2 दिन लेगा चैप्टर, तो क्योंकि बड़ा है थोड़ा, हो सकता है आज भी हो जाए। ठीक है, तो इससे आप लोग जो है कॉपी लेकर बैठिए जिससे कि आप उसे साथ के साथ लिख सके। अब अगला है हमारा अगला है बच्चों, आपको नजर आ रहा है स्क्रीन? नजर आ रही है स्क्रीन? थोड़ा सा एक मिनट, लाइट की प्रॉब्लम है, थोड़ा लाइट हम ये वाली बंद करके दूसरी जलाएं। बच्चे टाइम पर नहीं आते हैं, इतना लेट आते हैं, फिर उन्हें एडमिट करो। चलिए अगला है हमारा करण तत्पुरुष समास। सामने स्क्रीन पर है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास, इसमें से और द्वारा पर मैम ये हो गया था। सा। मैम पेज नंबर बता दीजिए। बेटा ये हमारी दूसरी बुक है, आपकी वाली नहीं है। ये हो गया था से वाला? चलिए फिर से मैं हो लिखती हूँ। चुका ओके ओके ठीक है। इसके लिए अब है। नेक्स्ट है यस हमारा मैम। संप्रदान। संप्रदान में के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है, के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे देखिए सामने लिख लीजिए सभी लोग, विद्या के लिए ग्रह, विद्या के लिए ग्रह, समस्त पद क्या बना? विद्या ग्रह। बलि के लिए पशु, समस्त पद बना बलि पशु। इसमें जो के लिए वर्ड है अंतर में, के लिए, ये इसका लोप हो गया। जिस बच्चे की वीडियो ऑन है वो ऑफ है, ऑन है वो ऑफ कर दे, वीडियो ऑफ करिए, किसी की नजर आ रही है हमको, अदरवाइज हम क्लास से रिमूव कर देंगे आपको। चेक योर वीडियोस, चेक योर वीडियोस, हमें एक बच्चे की नजर आ रही है, ये बच्चा कौन है? मैम स्क्रीन क्लियर नहीं है। मैम हाँ अभी क्लियर नहीं होगी, रुक जाओ, हम इसको देखें ये कौन, किसके घर, क्लास में, घर में से आवाज आ रही है ये। एक मिनट बच्चों, ये हर्षित अग्रवाल, दीपक सेंगर, हर्षित अग्रवाल, दीपक सेंगर, हर्षित अग्रवाल, हर्षित अग्रवाल, हाँ देखिए, कृष्ण के लिए अर्पण, कृष्ण के लिए अर्पण, क्या बना? कृष्णार्पण।
कृष्णा कृष्णा कृष्णार्पण। अगला है रोकड़ के लिए बही, नाच के लिए घर नाच घर, विधान के लिए सभा विधानसभा, देव के लिए आलय, देव के लिए आलय देवालय, माल के लिए गोदाम माल गोदाम, जेब के लिए खर्च जेब खर्च, गायों के लिए शाला गौशाला। अब इसमें आपने देखा कि हमारी के लिए संप्रदान में संप्रदान की जो विभक्ति है वो है के लिए, और इसमें से जो जो विग्रह है ये विग्रह है समास का, और जब विग्रह से हम समास रचना करते हैं तो के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है। अभी आप लोगों ने सभी ने नोट कर लिए होंगे। अगला करते हैं अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में से विभक्ति होती है जिसका अलग होने का भाव होता है, यानी कि किसी चीज से विच्छेद होने का भाव, तो इसमें से का जो है वो लोप हो जाएगा। जैसे जाति से भ्रष्ट, यानी जाति से भ्रष्ट किसे कहते हैं, तो कहते हैं ना जाति से अलग कर दिया, जाति से भ्रष्ट हो गया, यानी कि जाति समाप्त हो गई, तो ये इसमें एक जाति से विच्छेद का भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर जो से विभक्ति है उसका लोप हो जाएगा। धर्म से विमुख, धर्म से मुंह मोड़ लेना, अधर्म के काम करना, अधर्म के काम जब करता है कोई तो हम कहते हैं धर्म से विमुख हो गया है, अर्थात धार्मिक कार्यों से इसने मुंह मोड़ लिया है, तो धर्म से अलग होना भी धर्म विमुख। व्यय से मुक्त, व्यय से मुक्त, शक्ति से हीन, यानी कि जिसकी शक्ति चली जाना, शक्ति का अलग हो जाना, तो शक्ति से हीन शक्तिहीन। पद से च्युत, यानी कि पद से हटाया गया, जो इंसान को पद से हटाया गया है उसके लिए कहते हैं। कर्म से विमुख, अर्थात जो कर्म जो कार्य करने योग्य हैं, जब इंसान उससे जी चुराता है तो हम लोग कहते हैं कर्म से विमुख हो गया है, यानी कि अपने कर्मों को समाप्त कर दिया, उसने त्याग दिया है, तो यहाँ पर भी अलग होने का भाव प्रकट होता है। मरण से उत्तर, यानी कि उत्तर मतलब बाद, यानी कि मरण के बाद। जल से रिक्त, जल रिक्त। घर से निकाला, घर निकाला। और संसार से उद्धार, भव तारण। देखिए यहाँ पे एक अलग है, संसार से उद्धार, ठीक है, तो यहाँ पे संसार उद्धार नहीं लिखा है, संसार उद्धार नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है भव तारण, भव से तरने वाला। भव कहा गया है इस संसार को, भव सागर कहा है, इस संसार को भव सागर नाम दिया गया है, और इससे पार उतरने वाला अर्थात जिसका उद्धार हो जाए, तो उसे कहा गया है भव तारण। अगला है हमारा संबंध तत्पुरुष। इस समास में का की के विभक्ति का लोप हो जाता है। इस समास में का की के विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे जल की धारा जलधारा, देश का वासी देशवासी, सूर्य का उदय सूर्योदय, अछूतों का उद्धार अछूतोद्धार, प्रसंग के अनुसार प्रसंगानुसार, जल का पाखी पाखी का मतलब पक्षी जल पक्षी जल पाखी,
राजनीति का ज्ञाता, इसका शब्द आप क्या बोलते हैं, ये राजनीतिज्ञ है, राजनीतिज्ञ है, तो राजनीति के ज्ञाता को बोलते हैं राजनीतिज्ञ। राजा का पुरुष, राज का पुरुष या राजा का पुत्र क्या बोलेंगे, राज का पुरुष बोलेंगे राजपुरुष, और राजा का पुत्र को बोलेंगे राजपुत्र। राजा का कुमार राजकुमार, राष्ट्र का पति राष्ट्रपति, लाखों का पति लखपति, जिसके पास लाखों की संपत्ति हो उसे हम कहते हैं लखपति, करोड़ों की संपत्ति हो तो कहते हैं करोड़पति, है ना। तो इसमें आपने देखा कि का और को और के जितनी विभक्तियां देखिए आई हैं, का को के सबका लोप हो गया है और एक समस्त पद बन गया है यहाँ पर, कितना छोटा बन गया, देखिए ये देखिए, प्रसंग के अनुसार केवल एक शब्द प्रसंगानुसार, इसीलिए इसे कहा जाता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि शब्दों के बड़े स्वरूप को संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना, इसका अर्थ है। अगला है हमारा अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास में मैं और पर विभक्ति का लोप हो जाता है, मैं और पर विभक्ति का लोप हो जाता है। तो एक साइड हम लिखेंगे समस्त पद, दूसरी साइड हम लिखेंगे विग्रह, जैसा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है आप ठीक वैसे ही लिखेंगे। तो अगला पहला हमारा सबसे पहला जो शब्द है विग्रह है वो है कला में प्रवीण, कला में प्रवीण। किसी को हम अनम्यूट नहीं करेंगे, बहुत बच्चे बकवास करके दिमाग खराब करते हैं, कोई अनम्यूट नहीं होगा, बाद में पूछेगा, बिल्कुल नहीं। कला में प्रवीण, कला प्रवीण, ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न, ध्यान मग्न, दान में वीर, दान में वीर, दानवीर, जल में मग्न, जलमग्न, आप पर बीती, आप बीती, आत्म पर विश्वास, आत्मा विश्वास, आत्मविश्वास, स्वयं पर निर्भर। देखिए यहाँ पे स्वयं पर निर्भर में का थोड़ा सा डिफरेंट है, स्वयं पर निर्भर पे हम कहते हैं आत्मनिर्भर, आत्म का अर्थ भी स्वयं है, आत्म और स्वयं में कोई डिफरेंट नहीं है, डिफरेंस नहीं है, आत्म यानी अपना, स्वयं मतलब भी अपना। तो यहाँ पर स्वयं पर निर्भर थोड़ा चेंज कर दिया है, आत्मनिर्भर यानी कि अपने ऊपर निर्भर। नीति में निपुण, नीति निपुण, जल में जन्म, अब देखिए जल में जन्म को भी एकदम अलग कर दिया है, जलज, जलज का अगर हम विग्रह करेंगे तो लिखेंगे जल में जन्म, जल में जन्म, और कुल में श्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ, इसमें माँ जो विभक्ति है उसका लोप हो गया है, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, ठीक है। अगला है
अगला है बच्चों, हमारा नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास। अगला है कर्मधारय समास, ध्यान से देखिएगा। जहां पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, वहां पूर्व पद गुणवाचक विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूर्व पद और उत्तर पद में, पूर्व पद और उत्तर पद में विशेष्य और विशेषण या उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान का संबंध हो, अर्थात पूर्व पद गुण और गुणवाचक विशेषण तथा उत्तर पद विशेष हो, उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। तो देखिए यहाँ पर कर्मधारय समास में बुरी है बुद्धि, और वो ये है कि मंडे को हम आप सभी के, मंडे को हम आप सभी के रिजल्ट देखना चाहेंगे, इसलिए आप लोग सभी लोग स्कूल जाकर अपना रिजल्ट पहले कलेक्ट करें, अदरवाइज आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। अंशु मैन के इंस्ट्रक्शंस हैं ये स्कूल के कि आप लोग स्कूल जाकर अपने रिजल्ट्स कलेक्ट करेंगे और एक एक करके हम सभी के वीडियोस ऑन करेंगे और उनके रिजल्ट देखेंगे, और जो बच्चा रिजल्ट शो करेगा वही क्लास में रहेगा, अदरवाइज हम क्लास में आपको नहीं एंटर करने देंगे। ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि अभी तक आप लोगों ने रिजल्ट भी कलेक्ट नहीं किया है और आप टेंथ की और नाइन्थ की क्लासेस आप ले रहे हैं और आपको ये नहीं पता है कि आप एट्थ में पास भी हुए हैं या नहीं। ओके, अंडरस्टैंड? सभी बच्चे, चाहे फर्स्ट यूनिट के बच्चों के लिए है और सेकंड यूनिट के बच्चों के लिए भी आज हमें यही इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि मंडे को हम सभी के, आज आप देखिए आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, आप लोग सब लोग अपने रिजल्ट लेकर आए और क्लास में अपने रिजल्ट शो करें हमें, तभी हम आपको क्लास में एंट्री देंगे, अदरवाइज उसी वक्त आपको रिमूव कर दिया जाएगा क्लास से। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी बात, ये हमारे नहीं स्कूल के इंस्ट्रक्शंस हैं। चलिए अब अगला है हमारा कर्मधारय समास, हमने आपको बताया। कर्मधारय समास देखिए, पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो, अर्थात पूर्व पद गुण और उत्तर पद विशेष्य। समझ में आ गया, पूर्व पद तो इसमें गुणवाचक है और दूसरा है, दूसरा पद है विशेष्य। तो यहाँ पर बुरी है जो बुद्धि, बुरी क्या है, गुणवाचक, बुरा होना, अच्छा होना, ये किसी का गुण है। तो बुरी है जो बुद्धि, और बुद्धि जो है वो यहाँ पर विशेष्य है। देखिए बुरी है जो बुद्धि, बुरी है जो बुद्धि,
बुरी है जो बुद्धि, यहाँ पर बुरी है विशेषण, गुणवाचक विशेषण, और बुद्धि है विशेष्य। तो ये यहाँ पर इसको बनाएंगे हम समस्त पद में कुबुद्धि, कुबुद्धि। अगला है हमारा, काला है जो सर्प। काला इसमें विशेषता है, गुणवाचक विशेषता विशेषण है, और विशेष्य कौन है? सर्प। तो क्या बोलेंगे? कृष्ण सर्प। अगला है, महान है जो राजा। राजा विशेष्य है, और क्या उसकी विशेष उसका गुणवाचक वाचक विशेषण क्या है? उसकी महानता। तो उसे क्या बोलेंगे? महान है जो राजा, महाराज, महाराज। महान है जो राजा, महाराज, उसका समस्त पद बन जाएगा महाराज। इसमें राजा जो है वो विशेष है, और उनकी उनका जो गुण है वो क्या है? महानता। तो इसमें उपमेय और उपमान का संबंध बन गया, विशेषण और विशेष्य, तो ये बन गया महाराज। अगला है, काली है जो मिर्च। काली है जो मिर्च, अर्थात काली मिर्च। मिर्च विशेषण है, सॉरी विशेष है, और काली उसकी गुणवाचक विशेषण, उसका विशेषण है। कायर है जो पुरुष, का पुरुष। एक बोली है जो, एक बोली है जो, देखिए उसके लिखा है खड़ी बोली। एक बोली है जो, अर्थात खड़ी बोली। काला पानी, काला पानी एक प्रकार की सजा है जो, एक प्रकार की सजा है जो, उसे क्या लिखा है यहाँ पर? काला पानी। तीन से अधिक है जो, तीन से अधिक है जो, साढ़े तीन। परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, परमानंद। परम है जो आनंद, परमानंद। पूर्ण है जो बिंदु, पूर्ण है जो बिंदु, पूर्णेंदु। इसका क्या बना? पूर्णेंदु। हर्षित अग्रवाल, अभी हम किसी बच्चे के लिए अनम्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं क्लास में, हमको मजबूरी में आप लोगों को ऑल म्यूट करना पड़ा है, क्योंकि जो बच्चे न्यू एडमिट होते हैं क्लास में, रोज उन्हें बताया जा रहा है क्लास में एडमिट होते ही आप अपने ऑडियोज वीडियोज ऑन करिए। तमाम घरों में होती हुई पंचायत, बच्चे आपस में अपने पेरेंट्स से बात कर रहे होते हैं, वो सारी बातें हम तक आती हैं, और उससे कितना डिस्टर्बेंस होता है, हम तक आती है, सारे बच्चों तक जाती है। ये सेम वैसा ही है जैसे क्लास में जब आप बैठते हैं और वहां पर शोर मचाना, इसीलिए हमको आपको ऑल म्यूट करना पड़ा है। अब आपकी जो भी समस्याएं हैं आप बाद में पूछेंगे, ठीक है? तो ये हुआ। अगला है यहाँ पे उपमेय उपमान। वज्र सी देह, वज्र देह। लौह के समान पुरुष, लौह पुरुष। शैल सा उन्नत, शैलोन्नत। कुसुम सा कोमल, कुसुम कोमल। पद के समान पद, पद पंकज। रत्न सा नर, रत्न सा नर, नर रत्न। गुरु ही देव, गुरु ही देव, गुरुदेव। कर्म ही बंध, कर्म बंध। धर्म ही है सेतु, धर्म सेतु, धर्म सेतु। मुख चंद, मुख ही है चंद, मुख चंद। ये आपका हो गया कर्मधारय समास, कंप्लीट हो गए। यहाँ पर आपके कर्मधारय समास कंप्लीट होते हैं। आप सभी लोग, हम कैमरा उसके ऊपर कर रहे हैं वीडियोस, आप लोग लिख लीजिए आराम से।
यदि किसी बच्चे का छूट रहा है तो हम आपको अभी थोड़ी देर में अनम्यूट कर देंगे जिस बच्चे का छूट रहा है। अगर आप लोग टाइम पर क्लास में आए तो आपके साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बच्चे कम से कम 20 मिनट बाद आए हैं। आज तो हम लोग हमने आपको एडमिट कर लिया है क्लास में, कल तो हम करेंगे भी नहीं। आप लोग क्लास में, ये क्लास चल रही है, ये मजाक नहीं है। जब टीचर आपका क्लास में एकदम ऑन टाइम है तो आप लोग ऑन टाइम क्यों नहीं है? आप लोग कैसे क्लास में लेट आ सकते हैं? लेट कमर्स को स्कूल में भी नहीं एंट्री मिलती है और क्लास में भी एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोग बिल्कुल टाइम पर आइए, डिसिप्लिन सीखिए कि आप छात्र हैं। अगर इसी लाइफ में आपने डिसिप्लिन नहीं सीखा इसी स्टेज पर तो जिंदगी में आप कभी नहीं सीख पाएंगे। समय के पाबंद होना, जो समय दिया गया है उस पर आइए, अनुशासित बनिए। अगर छात्र काल में ही आप अनुशासित नहीं होंगे तो फिर कब होंगे, आप बताइए। हाँ, अब अगला लेते हैं, हेडिंग डालिए, सब हेडिंग द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास। द्विगु समास की एक विशेषता होती है कि इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है, अर्थात इसके पूर्व पद से एक संख्या का द्विगु समास में इस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। इसकी परिभाषा लिखिए, इस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। ठीक है, तो जैसे तीन भवनों का समूह, तो तीन क्या है, संख्यावाची है। इसकी पहचान यही है कि इसका जो पूर्व पद है यानी कि तीन, तीन देखिए संख्यावाची है, तीन भवनों का समूह, तो इसे हम समस पद क्या बनाएंगे, त्रिभुवन, त्रिभुवन। अगला है पांच पात्रों का समूह, पांच पात्रों का समूह, पंच पात्र, पांच पात्रों का समूह, पंच पात्र, चारों पदों का समूह, चतुष्पदी, चारों पदों का समूह, चतुष्पदी, चार आने का समूह, चवन्नी, चार आने का समूह, चवन्नी, चार पैरों वाला, चार पैरों वाला, चौपाया, चार पैरों वाला अर्थात चौपाया, चार पैरों वाला, चार का मतलब चार पैर, चार पैरों वाला चौपाया, तीन फलों का समूह त्रिफला, तीन फलों का समूह त्रिफला, चार दीवारों का से घिरा, चार चहार दीवारी, चहार दीवारी। आठ अध्याय वाली अष्टाध्यायी, आठ अध्याय वाली अष्टाध्यायी, सात नदियों का समूह, सात सदियों का समूह, सात
सात सदियों का समूह सप्तशती, सप्त का मतलब सात और सदियों का मतलब है शती, सप्तशती। चार महीनों का समूह चतुर्मास, चतुर यानी कि चार, मास मतलब महीने, चतुर्मास। लिखिए जल्दी से। चलिए बाकी 5 मिनट्स रह देते हैं, रह गए हैं। अब आपकी क्वेरीज ले लेते हैं हम। किसी बच्चे को बाकी का हम कल करवाएंगे। यस, अब जिसको कुछ पूछना है वो हैंड रेस करके पूछेगा। हाँ पूछो नमन, नमन नमन, आपको हमने अनम्यूट कर दिया है, अपना प्रश्न करिए, अपना प्रश्न करिए। हाँ बोलो नमन। हाँ क्या नमन, आपकी देखिए अगर कल असेसमेंट नहीं होता है तो क्लास होगी, अभी हमारे पास असेसमेंट का भी इंफॉर्मेशन नहीं है, आप लोगों के पास आज लिंक पहुंच जाएगा। अगर असेसमेंट होता है तो क्लास शायद ना हो, अभी मतलब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम नहीं होती है तो हम कल क्लास लेंगे आपका। यस एंजल गुप्ता, एंजल गुप्ता सॉरी आकांक्षा गुप्ता, हाँ आकांक्षा गुप्ता बोलिए, आपको अनम्यूट कर दिया है हमने। आकांक्षा, आकांक्षा हमने आपको अनम्यूट किया है, बोलिए बेटा। मुस्कान, मुस्कान आपको क्या पूछना है? हाँ मुस्कान आप अनम्यूट हैं, पूछिए। मैम असेसमेंट नहीं होता था तो अभी सैटरडे को क्लास नहीं होती थी। हाँ असेसमेंट नहीं होता था तो भी क्लास नहीं होती थी, लेकिन कल के लिए हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए हम कुछ भी आपसे नहीं बता सकते। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम कैसे आपसे कुछ कह दें। यस एंजल, एंजल आप क्या पूछना चाह रही हैं? यहाँ बेटा मैसेज नहीं आते मैम घर पे, तो मैं हमें कैसे पता चलेगा कल मैम क्लास है या फिर मैम टेस्ट है? बेटा ये तो आप स्कूल जाके अपना अपडेट कराइए ना, मैसेज नहीं आ रहे हैं तो बेटा। बेटा सभी लोग सुन लीजिए, स्कूल का ऑफिस खुल रहा है, स्टाफ पूरा आ रहा है टीचर्स को छोड़कर, आप लोग अपने सभी बच्चे स्कूल जाके करवा के आइए बेटा, ये तो आपके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है ना। एक बार स्कूल जाइए और कहिए कि मेरे पास जब मैसेज नहीं आएंगे तो मैं कैसे असेसमेंट दूंगी, ये मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम है। आप स्कूल जाइए और सभी बच्चे अपना रिजल्ट कलेक्ट करें स्कूल जाके, अदरवाइज आप लोग क्लास में एंटर नहीं हो पाएंगे। मंडे को हम सबके रिजल्ट देखेंगे, अंशु मैम के इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप सभी लोग अपने अपने रिजल्ट शो करेंगे वीडियोस में, वही बच्चे जो ले आए हैं वही क्लास अटेंड करेंगे। अब रिजल्ट लाने में आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है हमें समझ में नहीं आ रहा, रिजल्ट भी आप लोग लेने नहीं जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? यस काकुल, काकुल का क्या पूछना है? काकुल बोलिए। मैम एक बार संप्रदान तत्पुष्प फिर से दिखा दीजिए। क्या चीज? संप्रदान तत्पुष्प। ओके कल दिखाएंगे बेटा, टाइम ओवर हो रहा है, 1 मिनट रह गए हैं। जिसका भी जो रह गया है डोंट वरी, जिसका कुछ छूट गया है परेशान होने की कोई बात नहीं है, हम आपको एक बार और दिखा देंगे सारी चीजें। आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया है सारी बात, केवल आपको केवल शो करना है। यस हर्षित अग्रवाल आप बहुत देर से कर रहे हैं, हर्षित अग्रवाल हर्षित अग्रवाल आप अनम्यूट है, पूछिए क्या पूछना है। मैम मुझे ये पूछना है कि डेफिनेशंस आएंगी इनकी, उपसर्ग प्रत्यय समास? नहीं
जी भाई, हम कई बार आपसे बता चुके हैं किसी सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा, केवल आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा। जैसे अभी आपको दे दिया था विग्रह, अब विग्रह कर करके हमको देना होगा कि आप इसका समस्त पद बनाइए, समास बनाइए, या फिर समास दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा ये कौन सा समास है, पहचानिए कौन सा समास है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर नाइन्थ में किसी भी चीज की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है। ओके बच्चों, टाइम हो गया है। नाइन्थ में किसी